हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ झींगा मसाला। तो चलिए झींगा मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ झींगा मसाला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज नाश्ते में ही झींगा मसाला बनाऊँगी। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल डालकर उसमें लगभग 2 ऑनियन को कट करके डाला है। ऑनियन थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने के बाद में मैंने इसमें टमाटर काट के डाला है। सो 2 मिनट टमाटर अच्छी तरीके से पकने देंगे। फिर मैंने इसमें लगभग 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो डाले हैं। ये सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सो अब इसमें नमक डाला है, अपने अपने स्वादानुसार नमक डालना है। उसके बाद में पोटैटो 2 मिनट 75% पकने देंगे। अब इसमें डालेंगे हरा मसाला, रेड चिली पाउडर, तो ये सब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाले हैं झींगे। झींगे को 10 मिनट पकने देंगे। इस तरीके से हमारा झींगा मसाला भी तैयार है। सो झींगा मसाला बनने के बाद अब तैयारी हो रही है रोटी की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चपाती, यानी कि गेहूं की रोटी। तो फ्रेंड्स, नाश्ता मेरा बना के भी हो चुका है और खा के भी हो चुका है। तो अब मैं बनाऊंगी खाना, तो मेरे साथ बने रहिए। और मैं आज खाने में बनाऊंगी दाल, चावल और मच्छी। सो वीडियो शूट करते समय मुझे हंसी इतनी क्यों आ रही थी वो पता नहीं। सो इट्स ओके, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं दाल, चावल और मच्छी। तो मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बनाऊंगी मूंग की दाल, वो भी ड्रमस्टिक यानी कि डांबे की। सो उसके लिए मैंने एक ऑनियन दिया है। सो ऑनियन को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ डांबे की दाल। सो दाल पकने तक हम फिश भी अच्छी तरीके से कट करके साफ करके लेंगे। सो
दाल 80% कुक होने के बाद में हम इसमें डालेंगे डांबे। अब इसमें डांबे को अच्छी तरीके से पकने देंगे। सो 10 मिनट मैंने जो फिश मैरिनेट करके रखी थी अब इसको फ्राई करेंगे। सो खाना वगैरह पकने के बाद अब जो हमने कपड़े निकाले थे उसकी सब घड़ी करेंगे। सो फ्रेंड्स, खाना वगैरह मेरा बन चुका है और अब मैं कपड़ों की घड़ी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।